अरे भाई हमारे वहाँ है ना जितने पंडित जी लोग थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे कह रहे थे, अब जूते गिर रहे हैं तो बुखार ठंडा हो गया है पंडित जी लोगों का। मंदिर बनाते खूब पिटा रहे हैं, खूब पिटा रहे हैं, आज जितना पिटा रहे हैं उतना। मैं तो सनातन हूँ, मैं तो हिंदू हूँ नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू धर्म कोई होता ही नहीं है, कोई बता दे। चलिए हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अगर सरकार नहीं होती तो वहाँ घुटनों के बल बैठ गए थे, प्रधानमंत्री की सभा में 2000 की भीड़ नहीं हो रही थी, कोरोना की आड़ में देश को बेच डाला। कोरोना कोरोना कहाँ कोरोना, कहीं कोरोना दिखाई दे रहा है? तब तो दवाई आ गई ना, कहाँ दवाई, यहाँ सबको दवाई लगी है। किसान आंदोलन ने दो काम किया है, दो हिंदुस्तान के साथ न्याय किया है। एक जो हिंदू मुसलमान की खाई थी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, उसको भर दिया है, भाईचारा कायम हो गया है। और दूसरा जो देशवासियों के मन में कोरोना का भय था, उस भय मुक्त कर दिया। रामदेव जी भी दवाई ले आए। अरे रामदेव कहाँ, उसकी बात कर रहे हैं यार, सलवार वाले बाबा की। रामदेव जी सलवार बाबा है, सलवार बाबा है वो, जान लीजिए बाबा है, कपड़े में रहते हैं। अरे कौन से बाबा है, कहाँ के बाबा है, व्यापारी है, शुद्ध रूप से व्यापारी है, और वो भी देश बेचने में भागीदार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जो है हनुमान, हनुमान की उपाधि अमित शाह, और जो खरीद रहे हैं वो अडानी अंबानी हैं। टाटा बिरला डालमिया नहीं खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 2 DCP ईमानदार अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो BJP के साजिश में साथ नहीं होगा वो सस्पेंड किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, जैसे वो लवासा थे चुनाव आयोग के, पूरे परिवार सहित जेल की काल कोठरी में बंद है, देशद्रोह का मुकदमा लगा है, क्योंकि उन्होंने चाइना और इजराइल की टेक्नोलॉजी की पोल खोली थी कि EVM के सहारे कैसे ये जालिम जीत करके आया है, कौन सा ऐसा काम किया था कि हिंदुस्तान की जनता इसको वोट देती। वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए पेंगोंग झील, गलवान घाटी बेच दिया चाइना के हाथों। इसको मैं बहुत पहले से कह रहा था, जी न्यूज, अरे वो तिहाड़ी चौधरी वाला रिश्वतखोरी में जो तिहाड़ जेल गया था, राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार। अगर ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं तो मैं ऐसे पत्रकारों के मुंह पे थूकता हूँ, थूकता है भारत, थूकता है हिंदुस्तान। अर्णव गोस्वामी के वहाँ पहले पुलवामा हमले का की खबर हो गई थी, होगा बहुत बड़ा होने वाला, जब पुलवामा पे कोई जांच नहीं हुई, और देवेंद्र सिंह DSP पे कोई जांच नहीं हुई, देवेंद्र सिंह DSP पे जांच कैसे नहीं हुई, NIA के पास सबूत, NIA की, NIA देवेंद्र सिंह जेल में तो है, कहाँ जेल में, बाहर है, किसने कह दिया, जमानत प्रूफ ही नहीं हुआ। PM स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश की PM रही हैं, अगर वो जेल जा सकती हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्यों नहीं जा सकते। ये मुकदमा कायम करें, 3-4 साल मुकदमा कायम करेंगे, उसके बाद आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आरोप साबित करो जेल जाने। अरे आरोप साबित हो कि गलवान घाटी से बेच दिया, बेच दिया, मैं कारों बेच दिया, मैं पूर्व सैनिक हूँ, एक कच्छाधारी जो CDS है बिपिन रावत, कच्छाधारी एक कच्छाधारी बिपिन रावत। अभी बंगाल का चुनाव है भाई, आसाम का चुनाव है, केरला का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, इसलिए इनका वोट भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आएंगे, इनके पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा कोई नहीं है, कुछ कोई विद्या नहीं है। वैसे भी बंगाल जीत रहे हैं, सर्वे दिखा रहे हैं। उनके बाप नहीं जीत सकते हरियाणा, हरियाणा बेईमानी से जीते हैं, उनके बाप भी नहीं जीत सकते हैं। बिहार भी बेईमानी से जीते, बेईमानी से नहीं जीते, उसका ईमानदारी से राजा है, हरिचंद की छठी औलाद है। इतनी पीड़ा रही कि 100 टावर पंजाब में हरियाणा में गिरा दिए गए जियो के, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। वाह वाह वाह, अरे मोदी वाह वाह वाह। उसके बाद ये किसान आंदोलन जो चल रहा है अन्नदाता किसानों का, इसमें मजदूर भी हैं, छात्र भी हैं, बेरोजगार नौजवान भी हैं, जो पीड़ित हैं इस आंदोलन में सक्रिय हैं, तो कहा कि ये आंदोलन परजीवी है। हमने कहा परजीवी तो
पैरासाइट को कहते हैं, यानी जो बैक्टीरिया होती है, गंदी बैक्टीरिया जो नालों में होते हैं, नालों में होती है खुजली वाली बैक्टीरिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय राम आंदोलन चल रहा था और आप आडवाणी जी का माइक पकड़ के खड़े होते थे, वो भी एक आंदोलन था, वो भी परजीवी था। उसके बाद भाजपा ने तमाम आंदोलन किया, इमरजेंसी के दौरान किया, इसका मतलब वो भी परजीवी आंदोलन था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये संघी मानसिकता वाले हाफ कच्छाधारी जो ये लोग हैं, देश के साथ हमेशा गद्दारी किए हैं और ये गद्दार हैं, ये नक्सली हैं और हिंदुस्तान के सही मामले में ये आतंकवादी हैं। अगर इन्हें रक्त बैक्टीरिया कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये सत्य होगा, सही होगा। उनके मुंह में कीड़े खलबलाते रहते हैं, पवित्र बता रहे हैं किसान आंदोलन, पवित्र बता रहे हैं, इसीलिए तो बड़ी पीड़ा थी, श्रद्धांजलि उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, जो किसान आंदोलन के समय शहीद हुए थे किसान भाई, उनको श्रद्धांजलि भी दिया। माननीय राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है आंदोलन है, आंदोलन नहीं, ये भाजपा पार्टी का जो नारा है आज के डेट में, हम दो हमारे दो, किसी समय 74-75 में ये नारा चलता था, हम दो हमारे दो, जनसंख्या को नियंत्रण करने के। हाँ, लेकिन यहाँ जनसंख्या के नियंत्रण की बात नहीं है, यहाँ दो गुजराती बेच रहे हैं, दो गुजराती खरीद रहे हैं, इसको डिफाइन किया था संसदीय कार्य मंत्री ने। वोट तो देते नहीं, ईवीएम पे ढींगरा फोड़ देते। अरे वोट देते नहीं हो, ढींगरा फोड़ देते हो, फिंगरा फोड़ देते हो, क्या ढींगरा फिंगरा की बात करते हैं आप, हारने की बौखलाहट। अरे हारने की बौखलाहट नहीं है, किसी को हारने की बौखलाहट नहीं है, ये जितने किसान है और जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2014 के बाद इनको स्वतंत्रता मिली थी, नहीं तो हिंदुस्तान जो था आदि मानव रहते थे, ये हिंदू जब बने हैं तो उसका प्रायश्चित भोग रहे हैं। किसान टाइम पास कर रहा है, 3 महीने भैया 9-9 महीने आंदोलन चले हैं, 1907 में सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, 9 महीना चला था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट घुटने टेक दी थी, सरदार किशन सिंह शहीद आजम भगत सिंह के पिता थे। बातचीत भी बंद कर दिया तो टाइम। अरे वो बातचीत बंद करें, राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया, सुबह माननीय राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया है, वो देश बेचने के फिराक में है, ये किसान की जमीन बेचने के फिराक में है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। आपको नील की खेती याद होगी, गांधी जी ने वहां से आंदोलन किया था, ये बिहार से चंपारण आंदोलन याद होगा आपको। पैसे नहीं बचेंगे आप लोगों का? अरे भाई पैसे कहाँ बचेंगे, बीजेपी तो पूरा जो लूट ले गई है, तो कहाँ है पैसे? सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर रही है केंद्र सरकार, इसको भाई सोशल मीडिया से है कि सोशल मीडिया के ईमानदार पत्रकारों का अब शोषण करने उतारू है, जैसे वो मंजीत पुनिया, मंजीत पुनिया को जेल भेज दिया था इसने और तमाम पत्रकार जेल गए हैं, अभी काफी लोग जेल में बंद हैं, आज तक से कौन दशाई हैं, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया है, वो सरकार के आगे घुटने नहीं टेके। अब इशार शर्मा के वहाँ ईडी की रेट पड़ती है, रवीश कुमार का चैनल परेशान किया जाता है, प्रसून कुमार वाजपेयी की स्थिति देख रहे हैं, विनोद दुआ की स्थिति देख रहे हैं, ये जितने ईमानदार पत्रकार हैं, पत्रकार जो है इस देश का चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका बिक चुकी है, वो टीएमसी की सांसद ने कह दिया और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक किसी चैनल पे पत्रकार को बयान दिया, कहा भाई अगर मैं नहीं जांच करता तो परत दर परत खुलती और कोर्ट में तत्काल न्याय नहीं मिलता, मैं परेशान हो जाता, इसलिए अपना मुकदमा पर ही समाप्त कर दिया। वो कभी नहीं करेंगे, किसानों के पीठ में खंजर घोपेंगे। 15-15 लाख इस देश के नौजवानों को
इस देश के समस्त हिंदुओं के खाते में पहुंच गया, इस देश के 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। हाँ, जब पहुंचा तभी तो वोट दे रहे हैं 15 लाख भी। अरे कहीं नहीं, इस देश के लोग जो हैं लालच में कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। ये देश कई 100 साल गुलाम रहा, अभी गुलामी मानसिकता गई नहीं है। ये भाई साहब जो है किसान हैं, इनके खिलाफ NIO को सबूत मिल जाएगा, दीप सिंधु के खिलाफ नहीं मिलेगा। दोनों सेनाओं में समझौता हुआ है, दोनों पीछे हट, कहीं कोई समझौता नहीं हुआ है। वहाँ तक पिकेट आग तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, अब पिकेट 3 से आगे आप नहीं जा सकते, 8 किलोमीटर की एरिया है, गए नहीं है आप लोग? मैंने देखा है नजदीक से गलवान घाटी पेंगा झील को, जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा है, अभी चिंगारी लगी है, ये 16 बनेगी 16। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई 1857 में बैरकपुर छावनी से, मंगल पांडे ने शुरू किया था। वो भाजपा जो है और RSS रक्त परजीवी है, उनका आंदोलन रक्त परजीवी रहा है। मोदी जी भी परजीवी हैं, आंदोलन परजीवी हैं। परजीवी क्या है? जिनके खून में गंदी बैक्टीरिया, उन्हें रक्त परजीवी कहा जाता है। वो विधवा आलाप उनके लिए कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद के ऊपर डोरे डाल रहे थे, कश्मीर में हमको एक सेकुलर मुसलमान चाहिए, इसलिए डाल रहे थे। और अपना जो विधवा आलाप कई बार रोए हैं, गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दी क्या कांग्रेस? कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे तो उनका पतन हो जाएगा। इसे कहां कांग्रेस छोड़ने वाले, कहीं नहीं छोड़ उड़ रहे।